पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर पहुंची जोधपुर एयरपोर्ट पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाजपा के तमाम नेता व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व राजस्व मंत्री रामनारायण दुबी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगवानी की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल और गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया गया। आप देख पा रहे हैं कि वीडियो में किस तरीके से कार्यकर्ता जोश और जुनून में है और अपने पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने को आतुर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। आप देख पा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिन तक जोधपुर में रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में भाजपा के द्वारा ओबीसी मोर्चा को लेकर बड़ा इवेंट किया जा रहा है। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जिसमें तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे और इस दौरान ओबीसी मोर्चा को साधने की कोशिश भाजपा की ओर से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में ये सारी चीज़ें हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे हालचाल जाने और यहाँ पर जोधपुर में 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एयरपोर्ट से भिलाड़ा और पिपाड़ के दौरे पर निकले हैं। यहाँ से सीधे वो भिलाड़ा के लिए निकलेंगे जहाँ पूर्व प्रधान राउत राम खोजा के निधन पर शोक व्यक्त करेंगी। एयरपोर्ट पर उनको गुलदस्ता और फूल देकर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता जोश है, जुनून है अपने पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इस दौरान जगत नारायण जोशी जो कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ रहे और इस एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिंदाबाद और मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगे। मुख्यमंत्री यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां से सीधा भिलाड़ा के लिए रवाना हो रही है। इनके साथ पूर्व राजस्व मंत्री रामनारायण दुबी व तमाम भाजपा के नेता इनके साथ भिलाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये यहां से भिलाड़ा जाएंगे जहां राउत राम खोजा जिनका निधन हो चुका है, पूर्व प्रधान हैं, उनके परिवार को सांत्वना व्यक्त करेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और वहां से सीधे जोधपुर वापस पुणे पहुंचेंगे। जोधपुर रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन भाजपा की ओर से जो कार्य समिति की बैठकें हो रही है उस बैठकों में भाग लेंगी और उनसे जो है पार्टी को मजबूत करने की प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर को चुनना भाजपा के लिए विशेष मोटिव है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर आक्रामक हमले बोल रहे हैं और यही कारण है कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर को चुनना और यहां पर आपको बता दें कि अमित शाह भी कल जो है इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।